एक ब्राह्मण का लड़का विनायक जी महाराज की खूब सेवा पाठ पूजा पाठ किया करता था। उसकी माँ उससे बहुत लड़ती और कहती, ये सेवा पूजा छोड़ और कुछ काम धंधा कर ले, सेवा पूजा काम नहीं आएगी, रोज झगड़ा होता। एक दिन लड़का विनायक जी का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचा, आज तो विनायक जी महाराज से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा, तभी घर वापिस आऊंगा। लड़का भयानक जंगल में पहुंच गया। विनायक जी महाराज ने सोचा, ये मेरा नाम लेकर घर से निकला है, इसे बाघ वगैरह न खा जाए, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर विनायक जी आए और बोले, लड़के कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, विनायक जी के पास जा रहा हूँ। विनायक जी बोले, कहाँ मिलेंगे? तो लड़का बोला, जहाँ पर भी मिले वहीं जाऊँगा, पर जाऊँगा जरूर। विनायक जी उसके पण से बहुत प्रभावित हुए, उसको दर्शन दिए और बोले, मैं ही विनायक हूँ, बोल क्या चाहता है, कुछ मांग ले। लड़का बोला, मैं तो मांगना ही नहीं जानता, क्या मांगू? तो विनायक जी बोले, फिर यहाँ क्यों आया है? तो लड़का सोच विचार के बोला, घोड़ों और लगाम मांगू, पूछो गजराज को, महल मांग के माड़िया मांगू, डोलो हिंगराज को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, लड़के तू तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर सब कुछ मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। लड़का वापस घर आया तो देखा पिंडे पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी थी। घर में बहुत सारी धन दौलत हाथी घोड़ा लाव लस्कर हो गए। लड़का अपनी माँ से बोला, देखो माँ, इतना प्रताप है मेरे विनायक जी महाराज का, ये सब उन्होंने ही दिया है। माँ बहुत प्रसन्न हो गई, हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसे सबको देना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, कहानी सुनने वाले हुकारा बनने वाले सबके भंडार भरे रखना, सबकी आशीर्वाद बनाए रखना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।